हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 8 वानकी पर। आज की इस वीडियो पर हम वानकी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को देखेंगे और साथ ही साथ फरवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 में विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति रही और साथ ही साथ उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रही, इस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपके वानकी से संबंधित आंकड़े। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर कीमतों पर, ये आंकड़े स्थिर कीमतों पर दिए गए हैं। यदि इससे प्रश्न आया तो स्थिर कीमतों पर ही आएगा, प्रचलित कीमतों के आधार पर आंकड़े आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए है आपका 5,45,900 लाख रुपए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में इस वानिकी क्षेत्र की भागीदारी है। यानी स्थिर कीमतों के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी का आकार है, उस जीडीपी के आकार में 5,45,900 लाख रुपए वानिकी क्षेत्र की भागीदारी है। यदि हम परसेंटेज पे बात करें तो 2.57%, 2.57% इसका हिस्सेदारी है। यानी छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का 2.57% या 2.57% आपका वानिकी क्षेत्र की भागीदारी है, इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत शामिल वन उत्पाद। न्यूनतम समर्थन, जैसे केंद्र सरकार विभिन्न कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, वैसे ही वर्ष 2014-15 से केंद्र सरकार ने कुछ वन उपजों को इस न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत शामिल किया है। अब वो छत्तीसगढ़ के छह वन उत्पाद या वन उपज ऐसे हैं जिसे केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत शामिल किया है। देखिए, वो छह वन उपज कौन कौन से हैं। एक है आपका साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, इमली, हर्रा और लाख। साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख। तो देखिए, इसमें इसे भी याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत कुल कितने वन उत्पाद को शामिल किया गया है, तो छह। कौन कौन से हैं? साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रमुख वन उत्पाद का उत्पादन या प्रमुख वन उपज जिसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, उसके सीक्वेंस को मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए, अभी जो पीएससी और व्यापम इस तरीके के प्रश्न कुछ ज़्यादा पूछ रहे हैं, जैसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से है या छत्तीसगढ़ में उत्पादित प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। अभी हाल ही में ज्येष्ठ संपरीक्षक में भी आया था एक क्वेश्चन कि प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न पीएससी और व्यापम कुछ ज़्यादा उठा रहे हैं। तो देखिए, ये आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो कुल वन उपज है उसमें से सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तेंदुपत्ते का, तेंदुपत्ता के बाद हर्रा, हर्रा के बाद साल बीज। देखिए, ये जो तेंदुपत्ता है, ये जो आपका न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य, न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के छः वन उत्पाद को शामिल किया गया है, लेकिन इस छः वन उत्पाद में तेंदुपत्ता शामिल नहीं है। यदि इस मतलब कि न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य से प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद या वन उपज न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो उसमें आपको इसमें से तो चार ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में आपको तेंदुपत्ता रखेगा। तो उसमें क्या हमारा माइंडसेट क्या है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर पर जो वन उपज के रूप में तेंदुपत्ते का सर्वाधिक संग्रहण किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य है, ये केंद्र सरकार द्वारा शामिल किए गए वन उत्पाद इसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के छह वन उत्पाद साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख, केवल इन छह वन उपज या वन उत्पादों को ही शामिल किया गया है केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य के अंतर्गत। इसमें तेंदुपत्ता शामिल नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन उत्पाद जिनका उत्पादन वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक रहा, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन रहा, तेंदुपत्ता के बाद हर्रा, हर्रा के बाद साल बीज,
तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक संग्रहण मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार, ये जो आपका है ये न्यूनतम समर्थन संग्रहण मूल्य ये केंद्र सरकार वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो सर्वाधिक संग्रहण मूल्य या किस वन उपज की खरीदी के लिए सर्वाधिक संग्रहण मूल्य प्रदान करती है तो वो है आपका तेंदुपत्ता। इसे याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादित वन उपज कौन सा है? तेंदुपत्ता। सर्वाधिक संग्रहण मूल्य किस वन उपज को प्रदान किया जाता है या किस वन उपज में दिया जाता है तो वो है आपका तेंदुपत्ता। ये दोनों याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, मानक बोरा तेंदुपत्ता, ये वाला प्रश्न अभी तक 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखा है ये मानक बोरा तेंदुपत्ता, इससे 3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी मैंने हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने इससे संबंधित आपको ये 50,000 तेंदुपत्ते वाले चीज़ों को मैंने बताया था। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, तेंदुपत्ता के अभी जो आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा था कि तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं। तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न 3 बार पूछ चुका है और व्यापम ने ही इस क्वेश्चन को रिपीट किया है कि तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं, तो 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। देखिए, तेंदुपत्ता का एक मानक बोरा होता है, तेंदुपत्ते 50 तेंदुपत्तों का एक बंडल बनाया जाता है। एक बंडल जिसमें 50 तेंदुपत्ते होते हैं, 50 तेंदुपत्तों को लपेट करके एक बंडल बनाया जाता है और उस मानक बोरे के अंदर ऐसे ही बंडल लगभग 1,000 बंडल रखे जाते हैं। मीन्स 50 × 1,000, तो टोटल कितना हुआ? 50,000। तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते रखे जाते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण मूल्य, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता के लिए जो संग्रहण मूल्य प्रदान किया जा रहा है वो है आपका 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा, यानी ये 50,000 तेंदुपत्ते 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा, इसे याद रखिएगा। ये विभिन्न वनुपज या वन उत्पाद छत्तीसगढ़ में होने वाले विभिन्न वनुपजों में सर्वाधिक संग्रहण मूल्य है ये 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा, ठीक। अब आर्थिक सर्वेक्षण में जो छत्तीसगढ़ की वन स्थिति के जो आंकड़े हैं वो देखिए, ये यहाँ लिखे हैं मैंने। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ? मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ था वर्ष 2001 में। अब PCCF, देखिए ये जो PCCF वाला है ये अभी के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये अभी एक दो रोज पहले ही नए छत्तीसगढ़ के नए PCCF नियुक्त हुए हैं। PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अभी आपका ये दो रोज पहले ही ये नियुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में या हाल ही में नियुक्त PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? मुदित कुमार सिंह। अभी हाल ही में RK सिंह, इससे पहले थे RK सिंह छत्तीसगढ़ के PCCF, जो हाल ही में रिटायर हुए और उनके जगह छत्तीसगढ़ के नए PCCF नियुक्त हुए हैं मुदित कुमार सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। ये अभी वर्तमान मतलब दो रोज पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की जो वन स्थिति के जो आंकड़े दिए गए हैं वो जो आंकड़े हैं ये आपका छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015-16 में छत्तीसगढ़ के वन विभाग द्वारा ये छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015-16 जारी किया गया था। ये आंकड़े उसी के हैं, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिए गए हैं ये आपके 15-16 के आंकड़े हैं, उसको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वन क्षेत्र है आपका 59772, मीन्स 59772 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र मीन्स फॉरेस्ट एरिया है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% यानी 44.21% हिस्सा घेरे हुए है। प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल है 135,194 यानी 135,194 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 59772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% आपका वन क्षेत्र है।
अब देखिए, ये जो आपके छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है, ये आपके तीन भागों में बटा है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब ये आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन होता क्या है ये समझ लीजिए। आरक्षित वन ऐसा वन क्षेत्र जो कि कानूनी तौर पर आम व्यक्तियों के उपयोग के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, उसे कहा जाता है आरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र ऐसा वन क्षेत्र जो कि कानूनी तौर पर आम व्यक्तियों के उपयोग के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, उसे आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आपके आते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान या आपका बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन के अंतर्गत शामिल है, ऑप्शन दे देगा आरक्षित वन, संरक्षित वन, खुला वन या अवर्गीकृत वन, ऐसे तीन चार ऑप्शन देगा। तो याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान ये आपके आरक्षित वन के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है आपका संरक्षित वन, मींस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसा वन क्षेत्र जो कि कानूनी तौर पर प्रतिबंधित तो होता है, आम व्यक्तियों के लिए कानूनी तौर पर प्रतिबंधित तो होता है, लेकिन इसमें लाइसेंस और परमिट सिस्टम होता है, यानी इसे आम व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन सरकार जिन्हें परमिट या लाइसेंस प्रदान करती है वे इस वन क्षेत्र का दोहन कर सकते हैं। जैसे वन क्षेत्र में बहुत सी इमारती लकड़ियाँ होती है वन उत्पाद के संग्रहण के लिए, लोगों को मतलब जो लोग वन उत्पाद जैसे तेंदू पत्ता का संग्रहण हो गया, महुआ बीज का संग्रहण हो गया, इसके लिए आम नागरिक वहां पे जा सकते हैं, और आपका जलाऊ लकड़ी या इमारती लकड़ी, तो ये सारी जो वन उपज का जो संग्रहण हो रहा है या जो आपकी इमारती लकड़ियों के लिए जो सरकार है वो आपका लाइसेंस, कुछ लोगों को लाइसेंस या परमिट देती है, तो इसमें परमिट के आधार पर कुछ सीमित मात्रा में इस संरक्षित वन से उसका दोहन किया जा सकता है। तो ऐसा वन क्षेत्र जो कि कानूनी तौर पर प्रतिबंधित तो है, लेकिन लाइसेंस या परमिट सिस्टम के आधार पर इसका कुछ मात्रा में दोहन किया जा सकता है। अब आता है आपका अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन ऐसा वन क्षेत्र जो कि सरकार के आंकड़ों में, सरकार के आंकड़ों में शामिल तो है, लेकिन यह कानूनी तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। सरकार के आंकड़ों में ये वन क्षेत्र शामिल है, लेकिन कानूनी तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। आम नागरिक इसे खेती के लिए या अन्य अपने उपयोग के लिए इस वन क्षेत्र का बिना किसी प्रतिबंधन के उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये तीन कैटेगरी होती है। तो ये छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है 59772 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आरक्षित वन है आपका 25,782 वर्ग किलोमीटर, 25,782 वर्ग किलोमीटर है आपका आरक्षित वन, जो कि कुल वन क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 43.13% है। ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़ों को याद रखिएगा जितना आपको बता रहा हूँ। कुल वन क्षेत्रफल का 43.13% क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 24,036 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 40.22% 40.22% क्षेत्र संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। अवर्गीकृत वन 9,954 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 9,954 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है, जो कि 16.65% कुल वन क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का 16.65% वन आपका अवर्गीकृत वन है। तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है आपका 59772 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% क्षेत्र कवर करता है। जिसके अंदर अब ये आपका वन क्षेत्र, आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इन तीन भागों में क्लासिफाइड होता है, जिसमें लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर आरक्षित या आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, 24,000 वर्ग किलोमीटर आपका संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और आपका लगभग 9,954 वर्ग किलोमीटर आपका अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है।
आरक्षित वन लगभग 43%, संरक्षित वन लगभग 40% और अवर्गीकृत वन लगभग 16% क्षेत्र आपके वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017। अभी फरवरी 2018 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में वनों की स्थिति क्या रही इसमें हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये जो आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये जारी करती है आपका भारत वन सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में, यानी द्विवार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक दो वर्ष में भारत के विभिन्न राज्यों में वनों की क्या स्थिति रही इसके इस पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। सबसे पहली बात, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी वर्ष 1987 में। अभी हाल ही में इसने अपनी पंद्रहवीं रिपोर्ट जारी करी है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017, पंद्रहवीं वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। कौन जारी करती है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में। अब देखिए, इस रिपोर्ट में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% भाग वन क्षेत्र है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.39% भाग वन क्षेत्र है। भारत का लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसका 24.39% भाग, यानी लगभग 25%, यदि हम 32 लाख का 25% निकालेंगे तो लगभग 8 लाख के आसपास आता है, यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो आप ये आंकड़े याद मत रखिएगा, इसमें बस एक ही चीज याद रखिए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.39% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी पर अपन चर्चा करेंगे जो अक्सर हम पढ़ते तो है लेकिन इसमें हमें कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है। जैसे कि ये देखिए, वनावरण, वृक्षावरण और वन क्षेत्र। वनावरण या वनाच्छादन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण ट्री कवर, दोनों को जब ऐड करते हैं तब बनता है आपका वन क्षेत्र। ये वन क्षेत्र देखिए, जो हमारे भारत में या भारतीय वन विभाग के द्वारा वनों का जो भूभाग है, किन्हें वन क्षेत्र कहा जाएगा या किन्हें फॉरेस्ट कवर या वनावरण के अंतर्गत रखा जाएगा और किन्हें ट्री कवर यानी वृक्षावरण के अंतर्गत रखा जाएगा, ये इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया है। जैसे वनावरण, हमारा माइंडसेट क्या रहता है, वनावरण मतलब बहुत बड़ा वृक्षों का बहुत बड़ा एरिया जिसे हम वन क्षेत्र कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वनावरण के अंतर्गत पर्वत, पहाड़, पठार, चट्टान, नदियां, झील, ये सारे के सारे तो शामिल होते हैं, लेकिन ऐसे भूभाग को वन क्षेत्र कहा जाएगा जिसके कुल भूभाग का लगभग 10% हिस्सा ट्री कैनपी डेंसिटी यानी वृक्षों का मंडपाकार आवरण, ट्री कैनपी डेंसिटी वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण हो 10% भूभाग पर, तथा वह लगभग 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर फैला हो। कुल भूभाग का लगभग 10% हिस्सा ट्री कैनपी डेंसिटी यानी सघन मंडपाकार आकृति या सघन मंडपाकार आवरण घेरा हुआ हो और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कम से कम 1 हेक्टेयर भूभाग पर यह आवरण फैला हो। तो ये आपका ट्री कैनपी डेंसिटी, यानी जैसे आप देखे होंगे कि कई एरिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों का बहुत सघन वन होता है, एक ही जगह पे बहुत सारे वृक्ष उगे होते हैं, वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो उसकी शाखाएं फैल करके एक मंडप का शेप ले लेती है। तो वैसे ही मंडपाकार आकृति मीन्स ट्री कैनपी डेंसिटी, सघन वन सघन वृक्ष मंडपाकार आकृति, लगभग कुल भूभाग जिस भाग को हम वन क्षेत्र के अंतर्गत काउंट कर रहे हैं उसके टोटल भाग में लगभग 10% हिस्से पर आपका ये सघन मंडपाकार वृक्षावरण होना चाहिए और वो कम से कम एक हेक्टेयर या उससे अधिक एरिया पर ये आपका सघन मंडपाकार वृक्षावरण होना चाहिए, उन्हें शामिल किया जाएगा आपका वनावरण के अंतर्गत। अब जो आपका सघन मंडपाकार आकृति तो बना रहे हैं लेकिन 10% से कम एरिया पे है या आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर है, तो उन्हें काउंट किया जाता है आपके वृक्षावरण या ट्री कवर के अंतर।
ठीक है, लेकिन यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तब आता है आपका वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 24.39% 24.39% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र यानी वनावरण प्लस वृक्षावरण इज इक्वल टू वन वन क्षेत्र। ठीक, अब जो भारतीय वन विभाग या आपका भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की जो रैंकिंग तैयार की जाती है वन क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, वो जो रैंकिंग तैयार की जाती है वो रैंकिंग तैयार किया जाता है आपके वनावरण, ये वनावरण की स्थिति के आधार पर, मीन्स फॉरेस्ट कवर के आधार पर, उसमें वृक्षावरण का कोई रोल नहीं रहता। यदि हम जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वनावरण के लिए, कुल भौगोलिक भूभाग जिसपे आपके चट्टान, नदियाँ, झील, घास भूमि और आपका पर्वत पठार, ये सब तो होना, ये सब होना ही चाहिए। साथ ही साथ जिस भूभाग को हम वन क्षेत्र के लिए काउंट कर रहे हैं उसके लगभग 10% हिस्से पे ट्री कैनपी डेंसिटी मीन्स सघन मंडपाकार वृक्षावरण होना चाहिए 10% भूभाग पर, जो कि 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हो, ये काउंट होंगे आपके वनावरण के अंतर्गत। तो ये फॉरेस्ट कवर भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% हिस्सा आता है आपके वनावरण या फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत। देखिए जो चीज़ समझा रहा हूँ उसे समझिएगा, इससे अधिकतर कन्फ्यूज़न होते हैं। जो मैं आपको वनावरण क्या होता है, वनाच्छादन क्या होता है, आपका वन क्षेत्र क्या होता है, यदि आपको कहीं पर भी इसके आंकड़ों से संबंधित कन्फ्यूजन लगता है तो जो पीएससी और व्यापम के जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं एक साइड हिंदी में रहता है, एक साइड इंग्लिश में रहता है। तो मैं तो आपको प्रीफर करूँगा कि जहाँ कहीं भी इससे संबंधित आंकड़े आए तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन को देखिएगा, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है और कहाँ पे। देखिए अक्सर पूछेगा तो या तो आपसे पूछेगा ये फॉरेस्ट कवर को या तो पूछेगा फॉरेस्ट एरिया, तो आप ये देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है कि फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% भूभाग वनावरण मीन्स फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% भूभाग वन क्षेत्र या वनावरण के फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए वनावरण मीन्स फॉरेस्ट कवर, वनावरण से संबंधित आंकड़े यानी भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून भारत के विभिन्न राज्यों में वनों की स्थिति इस फॉरेस्ट कवर के आधार पर ही तय करती है। तो देखिए इसे मैंने कॉलम में डिवाइड किया है, एक साइड है रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, वन क्षेत्रफल के आधार पर टॉप 3 कौन कौन से स्टेट है, भारत के विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है आपके मध्य प्रदेश का, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर, और हमारा छत्तीसगढ़ है थर्ड पोजीशन पर, लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र के आधार पर भारत में 4th स्थान पर है। अब उसने क्यों लिखा ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो भी पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें 3रा स्थान ही बताया है, और जो अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें जो पिछला वन रिपोर्ट था, वन रिपोर्ट 2015, दो साल बाद अभी 2017 में जो रिपोर्ट आया है भारत सरकार के द्वारा, दोनों में ही छत्तीसगढ़ अभी भी 3रे स्थान पर बना हुआ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में 4th स्थान दिया है उसे हटा दीजिएगा, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ 3रे स्थान पर है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर। पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसका एग्जैक्ट आंकड़े है ये 555.47 यानी 55,547 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का है, जो कि भारत में 3रे स्थान पर है। अब वनावरण, ये रिपोर्ट अभी चेंज हुए, जो पिछला रिपोर्ट आया था आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2015 आया था, उसमें
प्रतिशत के आधार पर टॉप पोजीशन पर था आपका मिजोरम, लेकिन अभी जो 2017 की स्थिति है, 2017 के रिपोर्ट में लक्षद्वीप में लगभग 90% वनावरण है। जितना भी उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 90% भूभाग वनावरण है। तो इस 90% के साथ लक्षद्वीप पहले पोजीशन पर है। मिजोरम जो कि पिछले वन रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पर था, वो इस वन रिपोर्ट में सेकंड पोजीशन पर आ गया है। और तीसरे नंबर पर है आपका अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा, अभी ISFR 2017 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर है पहले पोजीशन पर लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर है आपका मिजोरम। लक्षद्वीप 90%, सेकेंड नंबर पर मिजोरम 86%, और थर्ड नंबर पर है अंडमान निकोबार 81%। यह है क्षेत्रफल के आधार पर, यह है वनावरण के आधार पर। अब देखिए, वन क्षेत्र में वृद्धि, यानी जो पिछला रिपोर्ट आया था वन रिपोर्ट 2015 की तुलना में, अभी जो नया वन रिपोर्ट आया 2017, यानी पिछले दो वर्षों में किन राज्यों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई या सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो आंध्र प्रदेश, पिछले दो वर्षों में आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सेकेंड नंबर पर है कर्नाटक, थर्ड नंबर पर है केरल। देखिए, जब ये रिपोर्ट आया था आपका फरवरी 2018 में, तो काफ़ी PDF इसके संबंधित शेयर हुए थे, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव शेयर्स हुए थे, कई हैंड रिटन नोट्स शेयर हुए थे। तो देखिए, उसमें यदि आपके पास ऐसा कुछ नोट्स है तो उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। कई मेरे को नोट्स ऐसे देखने मिले जिसमें ये लिखा गया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उसमें लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, ठीक है। या कई वेबसाइट जिसमें आपके करंट अफेयर्स संबंधित वेबसाइट रहते हैं, उसमें भी ये सेम गलतियां हुई है। ये आंध्र प्रदेश इस बार कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड था वन रिपोर्ट का, जो आया था वन रिपोर्ट 2017, इसमें जो आंध्र प्रदेश था ये काफ़ी हाईलाइटेड था। तो ये गलतियाँ कई जगह मेरे को देखने के लिए मिली। तो यदि आपके पास भी ऐसा कोई नोट्स होगा तो सुधार लीजिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर है टॉप पोजिशन। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में जो आंकड़े है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर टॉप पोजीशन पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर है छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश किस लिए है? आंध्र प्रदेश टॉप पोजीशन पर, यानी पिछले रिपोर्ट वन रिपोर्ट 2015 की तुलना पे जो नया वन रिपोर्ट है 2017 में, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यानी पिछले दो वर्षों में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसे थोड़ा देख के लगाइएगा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय संसद ने बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया। भारतीय संसद ने हाल ही में बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। देखिए, जैसे कुछ इमारती लकड़ियां होती है, जैसे साल, सागौन, साजा, बीजा, तो इन जो वनउपज है इसे उगाने के लिए या इसके रोपण के लिए और इसके दोहन के लिए, जैसे आप छोटे पैमाने पर इसका रोपण कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसे कमर्शियल मीन्स इसे एक आजीविका के लिए आप इसका रोपण कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस या परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी साल, सागौन, साजा, बीजा के साथ शामिल था आपका बांस। यदि आप बांस का रोपण कर रहे हैं और इसे बड़े पैमाने पर इसकी खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। वैसे तो गांव में कई जगहों पर बांस के वृक्ष आपको कई जगहों पर देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये कानून लागू है कि इसके लिए परमिट या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसे कोई कड़ाई तौर पर इसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में संसद ने बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटाने संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया है, यानी अब कोई भी निजी तौर पर इसका रोपण कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य या इस वृक्षों की श्रेणी से हटाने का इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका में वृद्धि करना, लोगों की आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, किसे वृक्षों की श्रेणी से हटाने संबंधित विधेयक पारित किया गया है, तो वो है आपका बांस। अब देखिए, इस इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2017 में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? वनावरण, ये वाला वनावरण मीन्स फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ में 555.47 वर्ग किलोमीटर, 55,547 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है वनावरण मीन्स फॉरेस्ट कवर।
जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.01% क्षेत्र पर घिरा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 41.01% भूभाग फॉरेस्ट कवर या वनावरण के अंतर्गत आता है। वृक्षावरण या ट्री कवर, छत्तीसगढ़ में ट्री कवर है 3833 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण या ट्री कवर है। कुल वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्र है 59772। वैसे तो आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंकड़े कुछ दूसरे मिलेंगे। आप 55547 में वृक्षावरण 3833 को ऐड करेंगे तो कुछ आंकड़े दूसरे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपका ISFR 2017 के रिपोर्ट में दिया गया है। उसमें वनावरण का आंकड़े दिया गया है, वृक्षावरण के आंकड़े दिया गया है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अस पर दी स्टेट रिकॉर्ड, यानी इस रिपोर्ट के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आंकड़े भेजे हैं, इस ISFR 2017 रिपोर्ट के लिए वो आंकड़े यही है, यानी सेम 2015-16 के वन क्षेत्र के आंकड़े को उठा करके इस ISFR 2017 के रिपोर्ट में जारी किया गया है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अस पर दी स्टेट रिकॉर्ड, यानी वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है आपका 59772 किलोमीटर, ये वाले आंकड़े सेम 59772 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा। ये तीन आंकड़े आपके ISFR रिपोर्ट में दिए गए हैं, ये आंकड़े और ये आंकड़े सेम हैं। आप ये दोनों आंकड़ों को ऐड करोगे तो ये नहीं आने वाला। वनावरण 55547 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.01% भाग पर है। वृक्षावरण 3833 वर्ग किलोमीटर, जबकि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अस पर दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो सौंपी गई आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 59772 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे आंकड़ों को याद कीजिएगा। तो देखिए, आप में से कई लोग का ये कमेंट आ रहा है कि जनरल स्टडी या छत्तीसगढ़ के आपके जनरल स्टडी के कोर्स या सिलेबस चालू कीजिए। तो देखिए, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं केवल आपको आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके साथ साथ काफ़ी जनरल स्टडी के पोर्शन भी कवर कर रहा हूँ। इसमें जनरल स्टडी भी आपका कवर हो रहा है, इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी भी कवर हो रहा है, काफ़ी चीज़ें। अब देखिए, ये वन क्षेत्र वाला आपका छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीज़ें मैं लेते हुए चल रहा हूँ। आपका यदि आप देखेंगे तो आपके इकोनॉमिक सर्वे, बस आपका यहाँ तक आके आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये करंट अफेयर के डाटा, मतलब मैं आपको, भले हमारा टॉपिक चल रहा है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, लेकिन मैं आपको काफ़ी जनरल स्टडी के पोर्शन भी लेते हुए चल रहा हूँ। तो आप साथ ही साथ तैयारी करते चलिए, पहले हम कवर कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे वाले पोर्शन को, फिर देखते हैं यदि हमारे पास समय बचा तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जनरल स्टडी को, या तो फिर क्विक रिविजन टाइप का फटाफट हम हमारा कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 अध्याय 8 वानिकी वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।